नमः शिवाय। पिछले कुछ वीडियो में हमने सुदामा चरित पाठ के कुछ अंशों को पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे। वह पुलकने, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जाने जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हु तो वाही पठ्यो ठेली, अब कही हो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। कृष्ण ने सुदामा की खूब अवभगत की थी, खूब आदर सत्कार भी किया था, लेकिन विदा करते समय उन्हें खाली हाथ ही विदा कर दिया। सुदामा भी संकोचवश श्री कृष्ण से अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बता पाते हैं और ना ही उनसे सहायता मांग पाते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा के मन में आने वाले अनगिनत विचारों का वर्णन किया गया है। कृष्ण से विदा लेने के बाद सुदामा अपने घर की तरफ चल पड़े और मन ही मन सोच रहे थे, एक तरफ तो श्री कृष्ण उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें इतना आदर मान सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ उनकी दीन दशा देखी फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। सच में गोपाल को समझना किसी के बस की बात नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वे मन ही मन श्री कृष्ण से नाराज हो रहे थे और सोच रहे थे, जो व्यक्ति बचपन में जरा सा दही के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता फिरता था, उससे मदद की आस लगाना तो बेकार ही है। क्या हो गया उसके पास अगर धन दौलत मान सम्मान वैभव आदि हो गया है तो? आज राजा बनकर भी उसने मुझे वैसे ही खाली हाथ लौटा दिया। सुदामा अब मन ही मन अपनी पत्नी से भी नाराज होते हैं। वे सोचते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसने ही मुझे यहाँ, उसने अर्थात सुदामा की पत्नी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा है। अब जाकर कहूँगा बहुत सारा धन दिया है, अब इसे संभाल कर रख। आगे के अंशों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नमः शिवाय।